बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो कंपेयरिंग का मतलब होता है मुवाजना करना, कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, अशिया का मुवाजना करना। तो आपकी किताब में मुख्तलिफ अशिया की तस्वीरें दी हुई हैं, हम उनका मुवाजना करेंगे कि तादाद में कौन सी ज़्यादा हैं, और जो तादाद में ज़्यादा हैं उनके ऊपर एक दायरा लगाएंगे। तो अब आपने अपने दिमाग से सोचना है, क्योंकि जितना दिमाग सोचने में यूज़ करें उतना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये कितने अंडे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। शाबाश, काउंट करें मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंग्लिश में कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये कितने अंडे हैं? 1, 2, 3। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? 1, 2, 3। मेरे साथ ऊंची ऊंची बोलें ताकि आपकी काउंटिंग जो है वो पक्की हो जाए। तो अब अपने दिमाग से सोचें कि 6 अंडे ज़्यादा हैं या 3 अंडे ज़्यादा हैं। तो आप अपनी कॉपी पे लिख लें, तो इस 6 अंडे जो हैं वो ज़्यादा हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इसको एन सर्कल करेंगे। शाबाश। अब ये देखें, दो पत्ते हैं, 1 और 2, देर आर 2 लीव्स, 1, 2, 1, 2, 1, 2 उर्दू में और 1, 2 इंग्लिश में। और जो दूसरा सेट दिया हुआ है वो पत्तों का है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 4 जो हैं वो सब्ज़ रंग के पत्ते हैं। तो अब अपने दिमाग से सोचें कि 2 पत्ते ज़्यादा होते हैं या 4। हाँ, शाबाश, 4 पत्ते ज़्यादा होते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो अब हम, ये एक टेडी बियर है, ये अकलौता बेचारा बैठा हुआ है, 1 को इंग्लिश में 1 और उर्दू में 1 कहते हैं। तो अब आगे जो टेडी बियर्स हैं वो कितने हैं? टेडी छोटा और बियर छोटा भालू, 1, 2, 3। तो ये 3 टेडी बियर्स पड़े हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब आप बताएं कि इसमें से ज़्यादा नंबर कौन सा है। शाबाश, जल्दी जल्दी सोचें, आपने खुद ही आप सोच के बताना है। शाबाश, 1, 2, 3 जो है, 3 टेडी बियर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब देखिए ये कौन आइसक्रीम है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कौन आइसक्रीम है, 1, 2, 3, 4, 5। गर्मियों में खाते हैं ना आइसक्रीम, और बैठ के खाते हैं, और सड़क के किनारे वाली नहीं, कवर्ड वाली खाते हैं, मक्खियाँ नहीं जिस पर होती। और ये कितनी है, 1, 2, 1, 2। तो 1, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा हैं या 2, अब पता चलेगा आपके सोचने का। आगे नहीं देखना, जल्दी से बताएं। शाबाश, गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये है 1, 2, 3, 4, 5, जो 5 नंबर है वो ज़्यादा है। तो अब हमने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। तो एक मकूला है कि बिफोर यू स्पीक थिंक, तो टी से ट्रू सच बोलना है, एच से हेल्पफुल किसी की उससे मदद हो रही हो, इट इज़ इंस्पायरिंग आई से हौसला अफजाई हो रही हो, नेसेसरी ज़रूरी हो, और इट्स काइंड मेहरबानी वाली बात हो या नरम बात हो, तो हुसन किरदार से नूर मुजस्सिम हो जा कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। तो हमें अल्लाह ताला अच्छा किरदार का इंसान बनाए। पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से ये वीडियो पेश की गई। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।